नीलूज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए पाइनएप्पल जैम की रेसिपी लेकर आई हूँ। दोस्तों ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि पाइनएप्पल तो हर किसी को पसंद आता है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए आज हम ना तो कोई प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई फूड कलर का, फिर भी ये बहुत ही अच्छा बनेगा और यकीन मानिए मार्केट का जैम लाना आप भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पाइनएप्पल ले लिया है, ये थोड़ा बड़े साइज का है। इसे हम छील कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे इस साइज में काटा है, मतलब इसके चंक्स बनाए हैं और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से साफ किया है ताकि इसमें बिल्कुल भी कांटे ना रहे। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे पीसने के लिए हम इसमें आधा कप के करीब पानी डालेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसे पीसेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल से ग्राइंड होगा। तो थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं और पानी डालकर देखिए इसकी एक स्मूथ पेस्ट आपको बना लेनी है। देखिए कांटे बिल्कुल ध्यान से निकालिए वरना आपके जैम में ये कांटे आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ये देखिए हमने अब ये स्मूथ पेस्ट जो है इसे हम छान लेंगे और छन्नी में डालकर इसे हमें छानना है ताकि नीचे की ओर बहुत ही स्मूथ इसकी प्योरी आ जाए और ऊपर सारे रेशे या जो भी छोटे मोटे कांटे हों वो रह जाए। ये देखिए हमने इसके एक इसे छान लिया है और आप देख सकते हैं बोल में बहुत ही अच्छा थिक पेस्ट आ चुका है। अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे जैम बनाने के लिए। देखिए जैम को अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका जैम बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी उसकी कंसिस्टेंसी आएगी। तो देखिए हमने इसका इसे एक छोटे बोल में निकाला है और बराबर ये एक ही बोल के करीब इसका जो पेस्ट है उसी कप के करीबन हमें लेना है शक्कर। अब यहाँ पे हमने एक कप के करीब इसका जूस या इसका जो प्योरे लिया है तो बराबर इसी कप के मेजरमेंट से हम लेंगे शुगर। जी हाँ, इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो हमें इक्वल रखना है, तभी हमारा जो जैम है वो काफ़ी समय तक अच्छा रहेगा, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। तो देखिए शक्कर डालकर हमें इसे अच्छे से पकाना है और पकाने के लिए आपको यहाँ पर इसे थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि जब ये पकेगा और अच्छा थिक होगा तभी आपकी जो जैम है या फिर जैम की जो कंसिस्टेंसी है वो आएगी। तो यहाँ पे हमें इसे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए इसे पकाना है और जैसे जैसे 10 से 15 मिनट होने लगेंगे इसमें बड़े बड़े बबल्स आने लगेंगे। तो ये आपका जो जैम है वो अब थिक होना शुरू हो चुका है, ये इसकी पहचान है। अब इसमें जैसे बड़े बबल आएंगे हम इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड, जिसे हम टार्टरिक भी कहते हैं। ये डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमने शक्कर जो डाली है वो इसमें सेट ना हो, वो क्रिस्टलाइज ना हो, इसके लिए हम ये सिट्रिक एसिड डालते हैं। तो ये भी डालना ज़रूरी है। डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। देखिए आज हम इस जैम को जो बना रहे हैं उसमें हम ना तो कोई कलर डालेंगे और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव, और बिना इसी के भी जैम बहुत ही अच्छा और मार्केट से भी अच्छा बनता है। तो देखिए अब हमारा जो जैम है वो बनने आ चुका है, क्योंकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके से थिक हो जाएगी, बड़े बड़े बबल्स आने लगेंगे और जैसे आप इसे स्पैचुला से उठाकर देखेंगे तो ये बहुत ही धीरे धीरे ड्रॉप करेगा। आप देख सकते हैं इसमें कितना शाइन, ये कितनी ग्लॉसी हो चुकी है और बस यही इसकी पहचान है। इससे ज़्यादा आप इसे न पकाएं वरना ये इसकी कैंडी बन जाएगी। तो अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ढीला या लूज है, मतलब जैम की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा और बिल्कुल जैम की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अब गैस को बंद कर दिया है और इसे लगातार हम चला रहे हैं ताकि इसके अंदर की जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और जैम और ज़्यादा थिक ना हो। तो देखिए अब हमने गैस को बंद कर दिया है और ठंडा होने के बाद अब हम इसे एक बोल में निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इसे मार्केट जैसा टेस्ट देने के लिए 2 से 3 ड्रॉप पाइनएप्पल एसेंस डालना है। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ,
कितना ज़बरदस्त ये हमारा जैम बनकर तैयार हो चुका है। और यकीन माने खाने में ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। आप बच्चों को एक बार बनाकर दे, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे एक कांच की बॉटल ले ली है, जिसे हमने धूप में सुखा कर अच्छा ड्राई करके इसके अंदर हम ये जैम डालेंगे, ताकि ये अच्छे काफ़ी समय तक अच्छा रहे। इसके लिए ये करना ज़रूरी है। और देखिए जैम की बॉटल, जैसे हमने कांच की बॉटल में डाला है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये घर का बना हुआ जैम है। और पाइनएप्पल फ्लेवर तो हर किसी को पसंद आता है, तो इस तरीके से जैम बनाकर अब बच्चों को ज़रूर खिलाएं। अब हम फटाफट एक सैंडविच भी बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ये पाइनएप्पल जैम ले लिया है और साथ ही ब्रेड स्लाइस भी ली है। ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम लगा देंगे बटर। बटर जैम बच्चों को बहुत पसंद आता है, लेकिन इस बार मिक्स फ्रूट जैम नहीं, पाइनएप्पल जैम लगाकर आप उन्हें सर्व कीजिए। तो अच्छे तरीके से बटर लगाने के बाद हम इसके ऊपर ये जैम लगा देंगे, और जैम थोड़ा अच्छे से लगाएंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो बच्चों को दीवाना कर दे। और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। और दूसरी फिर से हम बटर लगी हुई ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर डाल देंगे और इसे बीच से कट करेंगे। देखिए ये अगर सैंडविच आप बच्चों के टिफिन में भी देंगे ना, तो बच्चे इसे खुशी खुशी खा लेंगे। ये इतनी टेस्टी, खट्टी मीठी, ये हमारे पाइनएप्पल फ्लेवर की सैंडविच बन चुकी है। तो आई होप आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट्स हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपके जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।